हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसओ सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो इग्नू के स्टूडेंट्स हैं, एमपीएस के स्टूडेंट्स हैं, उन सभी के पास में एमपीएस 003 का सब्जेक्ट है और उन सभी का एग्जाम है और आप सभी की ऑन डिमांड पर जो यूनिट नंबर 3 है इसकी एमपीएस 003 की, इसकी सेकंड वीडियो आप सभी के लिए हाजिर है और इसकी एक और वीडियो आप सभी को मिलेगी जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया होगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जनता के अधिकारों के बारे में। तो हम बात करें जनता के जो अधिकार है वो दो अधिक प्रकार के अधिकार है। पेपर में क्वेश्चन डायरेक्टली बनेगा भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकारों का वर्णन कीजिए या मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए, मानव अधिकार भी लिखे आ सकते हैं। तो ध्यान रखना है भारतीय संविधान में हम अधिकारों को दो प्रकार से बांट सकते हैं। सबसे पहली बात वे अधिकार जो जनता को दिए गए और दूसरी बात वे जो उनके नागरिकों को दिए गए। पहली बात तो जनता को देने का मतलब अधिकार ये है जो ऐसे अधिकार जो कि भारत में रह रहे विदेशियों को भी अधिकार प्राप्त है। दूसरी बात ऐसे नागरिक जो भारत के अंदर रहते हैं लेकिन वो नागरिक है। ऐसे लोग देखो भारत के अंदर अधिकार दो तरीके के लोगों को है। हर एक देश में विदेशियों को भी कुछ अधिकार होते हैं, तो विदेशियों को भी हमारे देश में अधिकार है और इसके अलावा हमारे देश में कुछ हमारे नागरिकों को अधिकार है। नागरिकों को अधिकार भी दो तरीके के अधिकार है। अगर हम बात करें तो एक मौलिक अधिकार है जिसे हम राजनीतिक अधिकार हम कह सकते हैं, मौलिक अधिकार जिसे सत्ता द्वारा दिया गया है, और दूसरा एक सामान्य अधिकार। कैसे अधिकार? सामान्य अधिकार। सामान्य अधिकार वे अधिकार है जिनकी हनन पर हम न्यायालय नहीं जा सकते, जैसे बहुत सारे अधिकार हमें मिले हुए लेकिन वो हमारे मौलिक अधिकार नहीं आते। जैसे RTI का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, हमारा उपभोक्ता का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। ऐसे आप समझ सकते हो कि ये अधिकार हमारे सामान्य अधिकार में आते हैं। मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जिनके हनन होने पर हम सीधा सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं और न्यायालय द्वारा क्या किया जाएगा, उन अधिकारों का जो है हनन का मामले की सुनवाई भी की जाएगी। तो होपफुली आप सभी को ये क्लियर होगा। चलिए हम ज्यादा देर करते हैं, आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो जो मानव अधिकार या मौलिक अधिकार की बात करें तो ये भारतीय संविधान के भाग 3, कहां पर? भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, कहां पर? 12 से लेकर 35 तक इसका वर्णन किया गया है। ध्यान रखना है जिसमें से अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक, 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार, कौन सा अधिकार? समानता का अधिकार, इसका वर्णन किया गया है। ध्यान रखना है आप सभी को समानता का अधिकार, और इसमें एक एक आर्टिकल करके यहाँ पर बताया गया है कि आर्टिकल यानी अनुच्छेद जो है 14 है वो क्या कहता है कि कानून के समक्ष समानता होगी। भारत के अंदर प्रत्येक नागरिक के लिए कानून एक समान है, कोई अमीर कोई गरीब, कोई छोटी जाति का कोई बड़ी जाति का, कोई पुरुष कोई महिला, सभी के लिए क्या है? एक समान कानून है। तो ध्यान रखना है ये कानून के समक्ष समानता का मतलब क्या है, आर्टिकल 14 है। इसके अलावा ध्यान रखना है आप सभी को जो मेन बातें हैं सिर्फ वही बातें बताई जाएगी। इसके अलावा अनुच्छेद 15 जो है, अनुच्छेद 15 में डायरेक्टली ये कहा गया है आर्टिकल 15 के अंदर कि किसी भी व्यक्ति के साथ जाति धर्म लिंग भाषा जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अनुच्छेद जो 19 है उसके तहत ये भी कहा गया है कि जो अस्पृश्यता है, छुआछूत है, वो भी एक अपराध है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में आर्टिकल जो 20 पे, अब इसके बाद में आगे आते हैं आर्टिकल नंबर 19 से लेकर 22 तक, 19 से लेकर 22 तक ये कौन सा अधिकार है? स्वतंत्रता, राइट टू लिबर्टी, स्वतंत्रता का अधिकार है। इसमें ध्यान रखना है अनुच्छेद जो 20 है इसका मतलब ये है कि गैर कानूनी दोषी सिद्धि सुरक्षा यानी हमें अपने बचाव करने का हमें अधिकार है। इसके अलावा जीवन यापन करने के लिए हमें कोई भी व्यवसाय चुनने का अधिकार है और अपनी प्रतिरोध या अपनी सुरक्षा, अगर कोई भी आप पे हमला कर रहा है तो ऐसे समय में आप अपनी सुरक्षा कर सकते हो। इसके अलावा आर्टिकल 21 में आप सभी का राइट टू एजुकेशन भी आता है। अब आर्टिकल नंबर 23 से लेकर 24 तक आप सभी के लिए आ जाता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, कौन सा अधिकार? शोषण शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आप सभी को ध्यान रखना है। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये अधिकार है। ये आर्टिकल कहां पर है? आर्टिकल 23 में और ये आर्टिकल 24 में। आर्टिकल 23 डायरेक्टली इस बात को कहता है कि बच्चों से, जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनसे खतरनाक कार्य करवाना कानूनन अपराध है। और आर्टिकल 24 ये कहता है कि मजहब, आर्टिकल जो 24 है इसके तहत ये एक बात कही गई है, आर्टिकल 23 में ये बात कहा गया है कि बेगारों से जबरदस्ती काम नहीं लिया जा सकता, बंधुआ मजदूरी नहीं करवाई जा सकती और साथ ही साथ मानव की तस्करी नहीं की जा सकती। और आर्टिकल 24 जो है इसके अंदर ये कहा गया है कि बच्चों से, 14 वर्ष से कम उम्र की आयु के बच्चों से जोखिम भरे काम नहीं करवाए जा सकते, ये कानूनन अपराध है। इसके अलावा आर्टिकल जो 25 से लेकर
25 से लेकर 28 तक है, ये कौन सा अधिकार है? तो ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। कौन सा अधिकार है? धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर डायरेक्टली कुछ बातें कही गई है। सबसे पहली बात, आर्टिकल 25 कहता है कि जो है मजहबी मामलों में आप सभी को स्वतंत्रता है, मजहबी की आपकी स्वतंत्रता है, आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। आर्टिकल 26 जो है आपको ये कहता है कि सरकार जो है आपके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। आर्टिकल 27 जो है आपको ये कहता है कि कोई भी धार्मिक चंदा आपसे जबरदस्ती मजहब के नाम पर नहीं वसूला जा सकता। और आर्टिकल 28 जो है वो ये कहता है कि किसी भी विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। किसी भी विद्यालय में ऐसे शैक्षिक संस्था जहाँ पर पढ़ाई लिखाई का काम होता है वहाँ पर बच्चों को या फिर उस जगह पर जो है धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। ये आप सभी को ध्यान रखना है। इसके अलावा आर्टिकल 29 से लेकर 30 तक यहाँ पर दिया गया अल्पसंख्यकों को अधिकार। अल्पसंख्यकों को अधिकार के अंदर ध्यान रखना है कि हर एक व्यक्ति अपनी जो भी आपकी पुरानी ट्रेडिशन है, कल्चर्स है, उनको परंपरा को कंटिन्यू रख सकते हैं। दूसरी बात, अपनी जो भी संस्कृति और भाषा है उसमें अपनी आप शिक्षा को कंटिन्यू कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आर्टिकल नंबर 6 जो है ये जो मौलिक अधिकार आपका छठा मौलिक अधिकार है, इसका उल्लेख जो है एक तो अनुच्छेद 32 में और दूसरा आपका कौन सा तो ध्यान रखना है अनुच्छेद 226 में। इसके तहत आप सभी के लिए ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर उसका मौलिक अधिकार का हनन होता है तो उसी तरह सर्वोच्च न्यायालय संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत वो कहा जा सकता है सर्वोच्च न्यायालय और न्याय पा सकता है। इसके अलावा पहले हमारा संपत्ति का भी अधिकार था लेकिन अब उसे क्या किया गया है 78 अमेंडमेंट के द्वारा 1978 के अंदर उसको क्या कर दिया गया है, एक अमेंडमेंट के द्वारा क्या किया गया है उसको संशोधित कर दिया गया है। इसके अलावा आप सभी के लिए राज्य की नीति निषेध तत्व को लेकर भी क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर ऊपर और भी कुछ बातें दी गई है, जैसे आर्टिकल 15 है, यहाँ पर कहा गया है कि आप कोई भी सार्वजनिक रोजगार जो है वो चुन सकते हो। अस्पृश्यता को भी भेदभाव करार दिया गया है, जैसा कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर क्लियर कर दिया। और यही क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में अगर आता है, वैसे तो इसके आने की कम उम्मीद है, लेकिन अगर आपसे अधिकारों के बारे में पूछता है तो आप लिख सकते हो, लेकिन अधिकार के बारे में अकेले नहीं पूछेगा, आपसे पूछा जाएगा तो राज्य की नीति निषेध सिद्धांतों के बारे में भी पूछा जाएगा। तो गाइस मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। होपफुली आज की इस नई वीडियो से आप सभी को वैल्यू मिलेगी। बाकी मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।